नमस्ते दोस्तों, मैं प्रमोद मौर्य आप सबका मौर्य जी टेक्निकल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ 24 इंच LED का रिपेयरिंग का वीडियो, जिसमें प्रॉब्लम है स्टैंड बाई का। जो इसमें पावर की लाइट आती है वो ब्लिंकिंग होता है दोस्तों, कंटिन्यू बंद भी नहीं होता है, रिमोट भी कोई काम नहीं कर रहा जब ब्लिंकिंग होने लगता है तो, और जब चालू हो जाता है तो कंटिन्यू चलता है दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं 24 इंच LED रिपेयरिंग का वीडियो कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। उसका सॉल्यूशन एक बहुत सिंपल सा है दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ डालने से उसका सॉल्यूशन होता है। तो मैं आपको आज वीडियो दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है और ये कंटिन्यू ब्लिंकिंग ही होता रहता है। इसमें कोई भी रिमोट, जब ये ब्लिंकिंग होता है तो इसमें कोई भी रिमोट काम नहीं करता है दोस्तों, कोई भी बटन नहीं काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हमने कार्ड निकाल लिया है, मैं आपको कार्ड का मॉडल नंबर दिखाता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये कार्ड का मॉडल नंबर है और इसमें मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया कि लाइट जो पावर का बटन है, पावर की लाइट है, वो ब्लिंकिंग हो रही है दोस्तों। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कंटिन्यू चलता है, लेकिन जब होता है तो वो चालू ही नहीं होता, ब्लिंकिंग कंटिन्यू होता है। तो अब हम इसे पावर डाल के इसमें चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पावर केबल लगा दिया है और ये कीपैड का वायर लगा दिया है। तो हम इसे चालू करके चेक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसमें रेड लाइट तो आ गई लेकिन ब्लिंकिंग नहीं हो रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, चालू तो हो गया है लेकिन ब्लिंकिंग नहीं हो रहा। तो हम इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इसमें कब से ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब हमने ध्यान दिया तो जब हम पावर चालू करते हैं दोस्तों, देखिए जब हम पावर चालू करते हैं तो पावर सेक्शन में से एक सनसनाहट की आवाज़ आती है। सनसनाहट ध्यान से सुनेंगे ना तो एक सनसनाहट की आवाज़ आती है, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह कुछ लूज़ हो या तो लीकेज हो रहा हो, तो इस तरह से। तो हम इसमें कैपेसिटर देखें तो पावर सेक्शन के बगल में एक 12 वोल्ट का कैपेसिटर है। जब इसमें ब्लिंकिंग होता है ना दोस्तों, तो ये 12 वोल्ट में जो पावर आता है ना, कभी 2, कभी 8, कभी 12, कभी 2, कभी 8, ऐसे चेंज होता रहता है दोस्तों। ये 12 वोल्ट सेम प्रॉब्लम यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई में भी होता है दोस्तों, जब ब्लिंकिंग होता है तब। ओके दोस्तों, तो अभी तो ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम एक काम करेंगे, ये कैपेसिटर के पास से आवाज़ आ रहा है तो हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके चेक करेंगे दोस्तों। अगर ये कैपेसिटर से नहीं होगा तो हमें ये IC चेंज करनी पड़ेगी, MOSFET चेंज करना है। प्रॉब्लम MOSFET चेंज करने से भी हो जाता है, बाई चांस MOSFET चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो आप ये कैपेसिटर चेंज करोगे ना दोस्तों तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 99%। तो हमें ये दो पे, जब ब्लिंकिंग हो तो हमें दो चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, ये 12 वोल्ट का जो जहाँ 12 वोल्ट MOSFET पे आता है, ये MOSFET और एक ये कैपेसिटर जो है 25 वोल्ट 470 UF का। तो दोस्तों हम इससे पहले, सबसे पहले इसको कैपेसिटर चेंज करेंगे, उसके बाद इसको LED में लगा के टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने इसमें कैपेसिटर चेंज कर दिया, इससे हम वोल्टेज का 25 वोल्ट 470 UF वाला हमने चेंज कर दिया दोस्तों। चलिए अब हम इसमें चेक करते हैं जो आवाज़ आ रही थी सनसनाहट की, वो गई कि नहीं। चलिए दोस्तों, मैंने पावर केबल लगा लिया, इसे चालू करता हूँ। देखिए रेड लाइट आ गया और इसमें जो सनसनाहट की आवाज़ आ रही दोस्तों यहाँ से, वो अब नहीं आ रही है। तो आवाज़ बहुत बंद हो गया एकदम, ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे LED में लगा के चेक कर लेते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा दोस्तों तो हमें ये MOSFET चेंज कर देना है। देखिए MOSFET का नंबर है MBR10100DC, तो हमें ये चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कार्ड हमने रिपेयर करके टेस्टिंग में लगाया था, कम से कम 4 घंटे हो चुके हैं और एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैं बंद चालू कब से इसको कर रहा हूँ, एक बार फिर बंद करके आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने चालू किया, रेड इंडिकेटर चालू हो गया, हम इसे पावर ऑन करेंगे।
पावर ऑन किया, पावर ऑन हो गया और ये कंप्लीट चालू हो गई है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों इसमें ओनली वन कैपेसिटर ही ख़राब था जिसमें से सिम साई की आवाज़ आ रही थी। ओके दोस्तों, तो हमने इसे चेंज कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।